जैनब चलो अंदर चलो। लेकिन अब्बा मैं अभी सारा के साथ खेल रही हूँ। जैनब मैंने कहा ना अंदर चलो, बहस ना करो। जैनब तुमने आइंदा सारा के साथ नहीं खेलना। जी लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है इसलिए। अलग मगर कैसे? जैनब मैं कह रहा हूँ ना वो हमसे अलग है, बहस मत करो और अपने कमरे में जाओ। जाओ सारा मुझसे अलग है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। कायदे आजम क्या कहते? जैनब कायदे आजम ये हम कहाँ हैं? ये तुम्हारा ख्वाब है और मैं तुम्हारे ख्वाब का हिस्सा हूँ। आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता। सारा इतनी उदास क्यों है? सोचो अगर लोग तुम्हें अलग कहने लगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं। और अगर इसी तरह सब अलग होते रहे तो पाकिस्तान का क्या हो? नहीं जैनब, मेरा इरादा पाकिस्तान के लिए ये था कि ये एक ऐसा मुल्क हो जहाँ सब बराबर शहरी हो जो एक मुअज़्ज़ज़ जिंदगी गुजार सके। इसका कोई हल नहीं है? तुम इस नफरत के सिलसिले को खत्म कर सकती हो जैनब। तुम्हें खुद अपने मुल्क में इंसाफ और इंसानी बराबरी की हिफाजत करनी होगी, और अगर मजबूत ईमान तंजीम और अकीदा हो तो सब कुछ मुमकिन है। मगर कैसे? पहला कदम उठाकर ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा जैनब। जैनब बेटा, बेटा मैं जो कल तुम्हारे साथ गुस्सा हो गया था वो हमसे अलग है। अब्बा वो हमारी तरह एक पाकिस्तानी है और उसने कुछ गलत नहीं किया। कायद ने कहा हम सब चाहे कोई भी रंग नस्ल या फिर के हो, सब एक मुल्क के शहरी हैं। हम सब के लिए बराबर हकूक सहूलतें और जिम्मेदारियां हैं। अगर एक दूसरे के साथ बिला वजह की दूरियां रखेंगे तो एक मुत्तहिद पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? तो फिर हम सब इकट्ठे खेलें? चलो फिर चलो और खेलें।